व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। मेरा नाम है अयुब और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है अयुब एडिट। तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी फोटो में जो है स्किन स्मूथ किस तरह से कर सकते हो। तो गाइस कुछ लोग क्या करते हैं, वो स्किन तो स्मूथ कर लेते हैं बट उनसे अपनी फोटो में वो टेक्चर एंड शार्पनेस अपनी फोटो में वापस नहीं ला पाते हैं जो कि फोटो में होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि आप अपनी फोटो को किस तरह से अच्छे से स्मूथ कर सकते हो एंड जिससे कि उसकी क्वालिटी पर जरा लॉस ना हो, उसकी फोटो में जो टेक्चर है वो गायब ना हो एंड शार्पनेस भी हमारी बरकरार रहे। तो कुछ इसी टाइप की एडिटिंग आज हम सीखने वाले हैं। तो ये सारी चीज हम करने वाले हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं सबसे पहले इस फोटो को जो है ओपन कर लेता हूँ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस जैसे कि मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर अपनी फोटो को ओपन कर लिया है, तो गाइस यहाँ पर हमें क्या करना है, मैंने पहले तो आपको बता दूं मैंने इस फोटो को जो है इसमें कलर ग्रेडिंग कर रखी है, क्योंकि मैं जो है अपनी फोटो को स्मूथ जो करता हूँ वो पहले कलर ग्रेडिंग करता हूँ एंड उसके बाद मैं अपनी फोटो को स्मूथ करता हूँ। तो मैं जो जिस तरह से मैं अपनी फोटो को एडिट करता हूँ सिर्फ वही तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इससे भी आपकी फोटो में बहुत अच्छी क्वालिटी बन सकती है अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी फोटो में कोई भी कलर टोन डाल देनी है जिस टाइप की आप फोटो को एडिट कर रहे हो, वो चीज आपने यहाँ पर कर लेनी है। उसको करने के बाद आपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आ करके सबसे पहले इफेक्ट के अंदर जाना है एंड यहाँ इफेक्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ आर्टिस्टिक पर जाना है और यहाँ से लास्ट वाले में आपने चले जाना है एम्बोस इस पर और इसको जो है यहाँ से सेव कर लेना है एंड सेव करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ रिटच का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली इस पर जाना है और इस पर जाने के बाद यहाँ से आपने जो है ये स्मूथ करके एक टूल्स यहाँ पर है, आपको इस पर क्लिक करना है एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाएगा। उसके बाद आपने एक ऑटो है एक मैनुअल, ऑटो का मतलब यह है कि आपको अपने हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी है, खुद ऑटोमेटिकली फोटो को जो है स्मूथ कर देगा। बट इसमें दिक्कत क्या आती है, सब पूरी फोटो को स्मूथ कर देता है एंड आपके हेयर से या आपके जो है कपड़े वगैरह सबको स्मूथ कर देता है। तो आपने ऑटो पर नहीं रखना है इसको, आपने रखना है इसको मैनुअल एंड मैनुअल करके आपने डबल क्लिक करना है और इसकी साइज को जो है आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। हार्डनेस को आपने इसके 10 के अराउंड रखना है और ऑपेसिटी को आप अपनी फोटो के हिसाब से रख सकते हो। अगर आपको ज्यादा स्मूथ चाहिए तो आप ज्यादा रखो एंड कम चाहिए तो आप इसको कम रखो। तो मैं यहाँ पर जो है अभी 45 तक इसको जो रख लूंगा कुछ स्टेप से एंड यहाँ से इसको हम जो है वापस क्लिक करते हैं और उसके बाद आपको जहाँ भी स्मूथ चाहिए इस तरह से आप इसको उस पर पैंट कर सकते हो कुछ इस तरह से। गाइस कुछ इस तरह से आपने इसको उस पर जो है पैंट कर देना है। आपको जहाँ पर ज्यादा स्मूथ चाहिए आप वहां पर दो बार इसको इस तरह से रफ कर दो और जहाँ पर आपको जो है कम स्मूथ चाहिए आप इसको वो सिंगल तरीके से स्मूथ कर सकते हो। बट आपने जो है इसको करना इसी तरीके से है, इस बिल्कुल लाइन बना करके आपको जो है इसमें क्या करना है, सिर्फ कुछ इस तरह से इसको उस पर जो है पेंट करना है। गाइस ये देखिए कुछ इस तरह जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मैं इसको जल्दी फिनिश करता हूँ। तो कुछ इस तरह से गाइज मैंने इसको जो है पूरे अच्छे से स्मूथ कर लिया एंड यहाँ से मैं इसको करता हूँ डन और डन करने के बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। ये देखिए गाइज बिफोर हमारी फोटो कुछ ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ ऐसी हो गई है। तो अब क्या हमारी फोटो तो स्मूथ हो गई है बट इसका जो टेक्सचर था जो कि एक शार्पनेस थी वो इसमें जो है खत्म हो गई है। तो उसको हम वापस आने के क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ से सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से लास्ट में ड्रॉ टूल्स के अंदर और इसमें जाने के बाद हम यहाँ से हमारी एक लेयर बनाएंगे जो कि आप साइड में देख रहे हो थ्री डॉट्स के नीचे जो लेयर्स बनी हुई है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे यहाँ पर फोटो लेयर। और इसको लेने के बाद जो हमने भी फोटो सेव करा था इफेक्ट वाला एम्बोज इफेक्ट जो हमने सेव करा था उसको यहाँ पर डन करेंगे और डन करने के बाद इस पर इस कुछ स्टेप से इस पर ये खुद ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपको नीचे दिख रहा है एन ओ आर नॉर्मल कुछ इस पर जो है क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसमें नीचे आना है और नीचे आपको आने के बाद यहाँ पर एक टूल्स देखने को मिलेगा इसमें ओवरले, आपको जो है सिंपली इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद आप देखिए जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, तो बिफोर आफ्टर मैं आपको दिखाता हूँ। बिफोर कुछ ऐसा था एंड आफ्टर देखिए कुछ ऐसा हो जा रहा है बिफोर एंड आफ्टर। ये देखिए जो हमारा टेक्सचर यहाँ से खत्म हुआ था वो हमारे टेक्सचर इसमें वापस आ चुका है। तो इस पर कुछ इस तरीके से आपने इसको इस पर जो सेट कर लेना है, इसको आप अपने हिसाब से कम बढ़ती भी कर सकते हो, जैसे आपकी ज्यादा आपको ज्यादा चाहिए तो आप इसको फुल रखो एंड आपको जो है थोड़ा कम रखना है तो आप इसको जो है कम कर सकते हो।
तो जैसे मैं यहाँ पर अभी इसको 80-70 के आसपास इसको रख लेता हूँ एंड यहाँ से इसको डन करता हूँ। और डन करने के बाद अब देखिए हमारी फोटो में जो है स्मूथ भी होगी हमारी फोटो, एंड जो हमारे टेक्सचर गया था वो टेक्सचर भी हमारा जो है वापस आ चुका है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस से इफेक्ट में जाएंगे, और इफेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ जाएंगे सिंपल जो पहले नंबर का टूल्स है, एंड इसके बाद इसमें लास्ट में आ जाएंगे स्क्रोल करके। तो आपको यहाँ पर एक देखने को मिलेगा शार्पनेस, ये एक टूल इसका शार्पनेस इफेक्ट ही वाला। तो आपने इसको जो है इस पर डन कर देना है, और यहाँ से इसकी फेड को जो है आपने थोड़ा बढ़ा लेना है कुछ इतना, आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो, जितना आपको शार्प चाहिए आप उस हिसाब से अपनी फोटो में इसको रख सकते हो। जैसे कि मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, देखिए गाइस जो हमारी शार्पनेस थी एंड जो टेक्सचर था वापस से हमारी फोटो में आ चुका है। तो इसको भी जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो जैसे कि मैं इसको यहाँ पर 80 रख देता हूँ, तो इसको यहाँ पर रखने के बाद इसको मैं करता हूँ डन। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस हमारी पहले फोटो कैसी थी एंड अब कैसी हो जा रही है। ये देखिए गाइस पहले हमारी फोटो कुछ ऐसी थी जो कि ये थी, एंड अब हमारी फोटो देखिए कितने अच्छे तरीके से स्मूथ हो गई है, और फोटो में जो टेक्सचर है वो वापस आ गया है। तो कुछ इस टाइप से आप अपनी फोटो को स्मूथ कर सकते हो, वो भी बिना टेक्सचर गवाए, जिससे कि आपकी फोटो में एक अलग शार्पनेस और अलग क्वालिटी आपकी फोटो की बनी रहेगी। तो ये आज की वीडियो में मैंने गाइस आपको कुछ इस टाइप की एडिटिंग सिखानी थी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो उसको प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो।